तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और ऐसे में जो प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 27 तारीख को है, और आप जो कि 27 तारीख को वहाँ पर उस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं हो, आप वहाँ पर नहीं मिल पाओगे, ठीक है, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई मतलब जो डिलीवरी बॉय लेके जाएगा तो वहाँ पर कोई और आपका प्रोडक्ट ले ले, ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। और ऐसे में अगर आप चाहते हो उसका डिलीवरी डेट चेंज करवाना या फिर पेमेंट इश्यू है, कोई भी इशू हो सकता है आपका, और ऐसे में अगर आप अपनी जो डिलीवरी डेट है वो अगर चेंज करवाना चाहते हो, मतलब आगे बढ़वाना चाहते हो, तो आप कैसे बढ़वा सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पर, वहां पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि किस तरीके से आप जो अपनी डिलीवरी डेट कैसे चेंज करवा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डिलीवरी डेट अगर चेंज कर रहा है तो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट ऐप जैसे ओपन करोगे तो आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माई ऑर्डर्स के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी आपने ऑर्डर किया होगा। अब जिसका आपको डिलीवरी डेट चेंज करवाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और सबसे लास्ट में देखोगे यहाँ पर एक हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक कर देते हो और उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाना, और यहाँ पर आप देखोगे आई वॉन्ट हेल्प विथ अदर इशू, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर भी आपको अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर देते हो, फिर यहाँ पर आपको अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो, फिर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट ए कॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ए कॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नंबर दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आप इनसे बात कितने किस भाषा में करने वाले, वो भाषा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अभी आपको कॉल करेंगे, और यहाँ पर लिख देना है कॉल में, यहाँ पर कॉल में जैसे मैंने लिख दिया, और उसके बाद आपका ये नंबर रहेगा, ये हिंदी लैंग्वेज रहेगी, और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के अंदर आपको करेंगे, मतलब नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद कॉल में, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, कस्टमर केयर की आपको कॉल आएगी आपके पास, फिर आप उन्हें बता दीजिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, तो वो आपकी जो डिलीवरी डेट है वो चेंज कर देंगे। ये पर्सनली मैंने खुद ऐसा किया था, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हो, फिर आपके इसी नंबर पे अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास एक कॉल आएगी, जिसमें कि आपको इनको सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।